केंद्रों में प्रशासन ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में अंत्योदय बीपीएल एपीएल और 45 वर्ष के हितग्राहियों के लिए 10 मई से जिले में 52 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सामान्य रूप से टीकाकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिले के सभी क्षेत्रों में टीकाकरण की सामान्य रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लोगों में काफी उत्साह है, खास करके 18 प्लस में युवा वर्ग का बहुत उत्साह देखने को मिला है। अभी मैं करीब 12 बजे निरीक्षण किया, 12 बजे ही ऑलमोस्ट 100 लोगों का टीकाकरण हो चुका था, 86-87 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। तो ये बड़ा उत्साह देखने को मिला। बाकी 45 प्लस वाले जो सेकेंड डोज लगवाने आए थे कई लोग, तो बड़ी अच्छी सिस्टमेटिक टोकन सिस्टम भी है, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मेरा सभी लोगों से अपील भी है कि 45 साल से अधिक उम्र वाले भी जरूर इस टीकाकरण का फायदा लें, क्योंकि जितने अधिक लोग टीका हम लगवा पाएंगे, सेकेंड डोज लगने के बाद जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है 15-20 दिनों के बाद, तो सेकेंड डोज लगने के 15-20 दिनों बाद टीकाकरण वैक्सीनेशन वाले जितने अधिक लोग होंगे, उतना हम कोविड से लड़ने में सक्षम होंगे, उतने कम लोग कोविड से प्रभावित होंगे। तो इसलिए मेरा विशेषकर, क्योंकि 18 प्लस वाले में तो ऑलरेडी काफ़ी उत्साह है, 45 प्लस वाले नागरिकों से मेरी विनम्र अपील है कि वो लोग भी जरूर अधिक से अधिक संख्या में इस टीकाकरण योजना का लाभ उठाएं। राज्य शासन ने ऑनरेबल सीएम साहब की अध्यक्षता में, मार्गदर्शन में, राज्य शासन ने आप सभी लोगों के लिए फ्री टीकाकरण का आयोजन किया है। अधिक से अधिक संख्या में इसका फायदा उठाएं। अंत्योदय वालों के लिए भी अलग सेंटर है, बीपीएल के लिए अलग सेंटर है और एपीएल के लिए अलग सेंटर है 18 प्लस में, तो वहाँ भी प्रगति काफ़ी संतोषजनक है, टोकन सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा सीएचसी का निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टरों का जो ड्यूटी चार्ट है वो भी देखा गया। डॉक्टर के ड्यूटी आने के उसमें कई थोड़ा रैशनलाइजेशन की कमी देखी गई है यहाँ पे, तो वो मैंने बीएमओ को बता दिया है कि उसको रैशनलाइज करें, सभी डॉक्टरों से किस तरीके से काम लेना है वो भी बता दिया है, तो वो चीज़ें भी रैशनलाइज होंगी यहाँ पे और जनता को अधिक से अधिक फायदा हो। ओपीडी अभी थोड़े कम आ रहे हैं, तो ओपीडी के लिए भी निर्देशित किया गया है कि एमसीएच में ओपीडी चलाते रहें एज यूजुअल, क्योंकि कई लोग नॉन कोविड भी लोग आ सकते हैं जो ओपीडी में, जनरल ओपीडी में आते हैं, वो भी देखा गया है। और बाकी सारी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बहुत वैक्सीनेशन में काफ़ी उत्साह है, ये देख करके बहुत अच्छा। किसी प्रकार स्थिति में एक डॉक्टर को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया, ऑल्दो वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उनको छुट्टी लेके जाना चाहिए था, तो उन पर हम जो है अभी सुपर नोटिस जारी किया।